प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कई बार कह चुके हैं कि कश्मीर के युवाओं को विनाश का रास्ता छोड़ विकास की ओर अपने कदम बढ़ाने चाहिए, लेकिन बार बार पत्थरबाज संहिता की लकीर पार कर पुलिस बल के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। सेना के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल होने के बाद जहां पूरा देश पत्थरबाजों के खिलाफ खड़ा है, तो वहीं अब पीएम मोदी ने एक बार फिर पत्थरबाजों पर हमला बोला है। सिविल सर्विस डे के मौके पर उन्होंने कहा कि हमारे फौजी कश्मीर में बाढ़ आने पर लोगों की जान बचाते हैं, लोग उनके लिए तालियां बजाते हैं, लेकिन बाद में हमारे फौजी पत्थर भी खाते हैं। मोदी ने कहा कि सभी को आत्मचिंतन करना चाहिए, इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतनी चाहिए। सिविल सर्विस डे के मौके पर पीएम मोदी ने अफसरों को कर्मठता का पाठ भी पढ़ाया। उन्होंने कहा कि अगर अधिकारी काम करने का तरीका बदलेंगे तो चुनौतियां अवसर में बदल जाएंगी। चीज़ों को बदलने के लिए अफसरों का रोल आज के वक्त में ज़्यादा अहम है। इसके अलावा पीएम मोदी ने अधिकारियों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर भी सलाह देते हुए कहा कि काम के दौरान सोशल मीडिया पर खुद का प्रचार ज़रूरी नहीं है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल जनता की भलाई के लिए करना चाहिए, अपने विवेक से ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे पत्थरबाजों को चेतावनी दी है। पीएम के कड़े प्रहार से ये साफ हो गया है कि अगर पत्थरबाज नहीं माने तो उन पर एक्शन लेने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। देखते रहिए डीबी लाइव।